हरियाणा में दो सीटें बहुत ज्यादा मजबूत हैं कांग्रेस की, बात करूं शैलजा जी की सिरसा लोकसभा, बात करें दीपेंद्र जी की रोहतक लोकसभा, कौन सी सीट सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे? देखिए मैं डिप्लोमैट नहीं सर, नहीं नहीं डिप्लोमैट नहीं, मैं तो आज यहाँ पे सिरसा के अंदर प्रचार प्रसार कर रहा हूँ क्योंकि जिम्मेवारी मेरी है। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, एक ही आपने चुनना है, दो ऑप्शन, कमजोर कौन है, भाजपा या अशोक तंवर? मैं मानता हूँ इस क्षेत्र के अंदर जी, दोनों नहीं एक बोलना। नहीं मैं आपको कारण बता देता हूँ, कारण बता तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। भाई इस टाइम हरियाणा का आखिरी छोर डबवाली में आए हैं और जींद से जैसे कि मैं हूँ और जींद रोहतक सोनीपत अलग अलग मतें चले हैं, आज एक बड़ा करिश्मा जो भाजपा वाले तो नहीं सोचा करते, वो तो अलग तरीके से एक मैनिफेस्टो तैयार करके चले हैं। अमित सिहाग जी जो डबवाली से विधायक हैं उनके पास हम खड़े हैं। भाई साहब नमस्कार। थैंक यू जगदीप भाई। विधायक जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, और जिस तरह का माहौल है जी, मैं देख के मैं मानता हूँ हर रोज अपने आप ऊर्जा बढ़ जाती है आजकल। मैं हमारे उधर या ये मान लो कि भाजपा की तरफ से ऐसा कई बार खबरें चलती हैं कि भाई शैलजा जीतेगी कि नहीं जीतेगी पता नहीं, उधर से डबवाली से विधायक जो हैं वो हुड्डा गुट से हैं, उनके लिए वोट मांगे कि नहीं मांगेंगे, लेकिन आप तो यहाँ पे दो दो तीन तीन बार माइक उठा के बातचीत कर रहे हैं सर, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए ये जब किसी पार्टी के पास जी जनता के मुद्दों का जवाब ना हो तो आखिरकार भाजपा की हमेशा एक ही नीति रही है, किसी तरीके से फूट डालने का प्रयास करो, जो अंग्रेजों की राजनीति थी डिवाइड एंड रूल का काम कर जी। तो उसी तरह की राजनीति से ये प्रेरित है। आज यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी हैं भाजपा के, अगर आप उनसे पूछोगे मुद्दों की बात, मुद्दों की बात नहीं करेंगे वो, कांग्रेस के नेताओं पर या उनके ऊपर, एक बार तो ये कह रहे थे उनका घर कहाँ पे, इस तरह की टीका टिप्पणी पे वो आते हैं। तो मैं मानता हूँ ये अपने आप उनकी हताशा को दर्शाता है। और जहाँ तक अमित सिहाग की बात है या मेरी है, कांग्रेस परिवार एकजुट परिवार है, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आप जो गारंटी मोदी जी दे रहे हैं जी, आज ये अमित सिहाग की गारंटी आप लेकर जाओ, हरियाणा के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर जो इंडिया गठबंधन की जो सबसे बेहतरीन मार्जिन से जीती हुई सीटें होंगी उसमें कुमारी शैलजा जी की ये सीट सिरसा होगी, ये अपने आप आपको परिणाम उनके उनको जवाब देने का काम करेगा। हरियाणा में दो सीटें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं कांग्रेस की, बात करूं शैलजा जी की सिरसा लोकसभा, बात करें दीपेंद्र जी की रोहतक लोकसभा, कौन सी सीट सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे? देखिए मैं डिप्लोमैट नहीं सर, नहीं नहीं डिप्लोमैट नहीं, मैं तो आज यहाँ पे सिरसा के अंदर प्रचार प्रसार कर रहा हूँ क्योंकि जिम्मेवारी मेरी है, और मैं मानता हूँ दोनों सीटों के ऊपर एक एक तरीके से जनता ने बिना उम्मीदवार के नामांकन भरे हुए, ये दोनों सीटें ऐसी थी जनता ने पहले से एक जनादेश दे दिया कि यहाँ से ये दोनों प्रत्याशी जो हैं बहुत ही सम्मानित, दोनों के दोनों जीत कर निकले। और मैं उदाहरण दूंगा यहाँ पर, मैं शायद इकलौता ऐसा विधायक था, और हरियाणा में नहीं कहूँगा अपने क्षेत्र में तो कम से कम मैं था, जो चुनाव की घोषणा होने के एक डेढ़ महीने पहले पूरा क्षेत्र घूम के आया और हर एक गांव में गया, और वहाँ पर उस समय से ये बात चल रही थी कि अगर शैलजा जी को कांग्रेस पार्टी यहाँ से उतारती है तो 100% जीत है। उस समय आंकड़ा दिया जाता था 1,00,000 प्लस ग्रामीण बोलते थे, चौटाला गाँव तक के ग्रामीण ये बोलते थे, और आज जो आंकड़ा है गाँव शहर में जाते हैं, इस दिन मैंने मन से बोला 2-2.5 लाख, कहते क्या बात कर रहे हो जी, 4 लाख की तो लीड पक्की है। तो आज इस हालात में हमारा मार्जिन जनता ने तय करना है, मैं मानता हूं दोनों लाखों में मार्जिन होंगे, ये जरूर। सुनीता दुग्गल जी 3,07,000-8,000 वोटों से लगभग जीती थी, वो पहले तो उतना आपने पकड़ना फिर उससे आगे चलना, कितना आपको लग रहा है भाई? हाँ थोड़ी सी मेहनत तो ज्यादा है पर हम अचीव कर रहे हैं। रोहतक में तो 7-8,000 का मामला था, वो ज्यादा नहीं है, यहाँ पे तो बड़ा है मामला। मैं देखिए जगदीप भाई, जो हर एक चुनाव है उसकी तासीर अलग होती है, कोई अगर इस चुनाव को 2019 के चुनाव के साथ जोड़कर देखना चाहेगा तो बिल्कुल ही मैं मानता हूँ ना इंसाफी होगी चुनाव के साथ। उस समय जब उनको वोट मिले थे जनता का रुख अलग था, सोच अलग थी, मुद्दे अलग थे, इस बार एक धरातल के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और जो मैं मानता हूँ कि कहीं कोई व्यक्ति लाखों से एक बार जीता होता है
साल बार बाद ही अगर चुनाव हो तो वो गौण होके वो हार भी जाता है। आपको सबसे बड़ा उदाहरण इसका एक छोटा सा ही दूंगा जी। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा हुए हरियाणा में जी। आप पूरे प्रदेश में घूमे, मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा वोट लोकसभा में बीजेपी को मिले थे, और जब विधानसभा के चुनाव जो 75 पार वाली पार्टी थी वो 40 के पास भी बड़ी मुश्किल से पहुंची, 20-25% से ज़्यादा वोट नीचा आ गया। तो ये वो तो 4 महीने का करिश्मा था, ये तो 5 साल हो लिए, 5 साल के बाद आप कितना देख सकते हैं। मैं आपको कहता हूँ ये इसमें आश्चर्य ना कीजिएगा कि जो पिछली बार का सिरसा का यहाँ का रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ने का काम करेंगी, और ये दोनों सीटें जो हैं विशेष करके सिरसा और रोहतक की सीटें हैं अपने आप में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने का काम करेंगी। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, एक ही आपने चुनना है, दो ऑप्शन, कमजोर कौन है, भाजपा या अशोक तंवर? मैं मानता हूँ इस क्षेत्र के अंदर जी, दोनों नहीं, एक बोलना। नहीं, मैं आपको कारण बता देता हूँ, कारण बताता हूँ, ये सिलसिलेवार देख लीजिए कि ऐसा हुआ क्यों, आज का माहौल ऐसा क्यों है। सबसे पहले इस क्षेत्र में किसान आंदोलन का बहुत ज़्यादा जोर रहा, जो किसानी मुद्दे रहे, इसी क्षेत्र से जो लोग अपने आप को किसान हितेशी बोलते थे, विशेष करके हमारे जो कहते थे देवीलाल जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं हम, वो इस क्षेत्र से आते थे, इसी क्षेत्र के इन लोगों को ताकत दी। तो जब 2.5-3-4 साल किसान यहाँ पर तड़पते रहे, किसान यहाँ पर प्रश्न पूछते रहे, किसान यहाँ पर सहयोग मांगते रहे, कोई सुध लेने नहीं आया, तो पहला तो शुरुआत यहाँ से हुई, किसानों ने कहा कि जब चुनाव आएगा इस बार हम दिखाएंगे भाजपा को, उसके बाद जजपा को, दोनों के हालात एक जैसे, जजपा का और भी ज़्यादा मैं मानता हूँ आज की तारीख में, उनसे आशा इनकी ज़्यादा थी। उसके बाद जब शुरुआत माहौल बनने लगा, जो पिछले 2-2.5 महीने में पूरे देश का माहौल बदला है, आज की तारीख में आप ये आम चर्चा कहोगे कि लोग ये नहीं कह सकते कि डन डील है, जो पहले डन डील बोलते हैं, वो उसका दूसरा पड़ाव, और तीसरा पड़ाव जब चर्चा शुरू हुई चुनाव से पहले, जब अशोक तंवर भी नहीं आए थे, यहाँ एक आम चर्चा थी कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी, और जब शैलजा जी का नाम फ्लोट होने लगा तो लोगों में कहा कि अगर शैलजा जी आएंगे तो हमारा मन है कांग्रेस की तरफ, तीसरा, और जब अशोक तंवर को मिल गई तब लोगों ने पक्की मोहर लगा दी कि भैया इस बार तो यहाँ से लाखों की जीत। तो अशोक तंवर का आना, उनका होना बहुत बड़ा सोने पे सुहागा कांग्रेस के लिए, मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस का जो मन, जो वोटर था आम जनता का, उन्होंने कह दिया कि भी कुछ भी हो जाए इनको तो हम देख चुके हैं, इनकी नीतियों को देख चुके हैं, और इनके खिलाफ जब शैलजा जी को कंपेयर करते हैं तो जब आप कह सकते हैं कि कोई तुलना ही नहीं है। ये जो खबरें चलती हैं हुड्डा गुट, एसआरके गुट, ये मेरे ख्याल से सिरसा में कितना, यहाँ पे मैं मानता हूँ आप 9 के 9 विधानसभाओं में एक बार घूमाइए, शैलजा जी अभी तक सभी विधानसभा का 2 या 3 बार दौरा कर चुके हैं, सभी जगह पे सारे के सारे नेता पूरी ताकत के साथ उनके साथ एक मंच पर पूरे जोर, मैं मतलब यहाँ पर मैं जब कोई व्यक्ति का खुद का चुनाव नहीं होता या लोकसभा का चुनाव होता तो कहता है जब नेता आते हैं उस टाइम तक तो मेहनत होती है, नहीं तो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। अमित सियाग ऐसे ही है, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, सारे नेता मैं मानता हूँ इसी तरह मेहनत कर रहे हैं। आज यहाँ जितने भी कस्बे हैं हमारे, चौटाला गांव ले लीजिए, गोरीवाला ले लीजिए, बिजू वाली ले लीजिए, हमारे उडांग की तरफ अभी जाने का, मैं घर घर जाके डोर टू डोर शॉप्स दुकानों तक जाकर वोट मांग कर हम आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए आज का मुद्दा ज़रूरी है कि जो माहौल है, जिस तरह की समस्याएं हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर, जनता ने मन केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बनाया, जनता ने बनाया कि भी जो नीतियां रही हैं 10 साल की, इसको हमें बदलना है, और कांग्रेस को एक नेचुरल विकल्प के रूप में देख रही हैं, शैलजा जी को एक मजबूत साथी के रूप में देख रही है, और हम सब साथ जुटकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं मानता हूँ मेरी नीति तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, बाकियों का तो मैं, जिसका हर कोई व्यक्ति अपना अपना बयान देने के लिए सक्षम है, अमित सियाग और मेरा जो परिवार, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी हैं, और हमने जब अशोक तंवर जी यहाँ से चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी में 2014 में, और मोदी जी की बड़ी प्रचंड मतलब लहर थी, ऐसी आंधी थी, लोग कहते थे कुछ नहीं, यहाँ पे उस समय भी जब वो लाखों से प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद यहाँ से हार के गए, डवाली एक हल्का था जहाँ से 2,500 की लीड कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया था, और वो ऐसे व्यक्ति थे जो जिनका अगर सबसे बड़ा जिनको वो अपने एक मान लो अपने अपने खिलाफ मानते थे, वो मेरे पिताजी और मुझे मानते थे, कहते थे इनकी टिकट हो गई तो सबसे पहले इनकी काटूंगा, ये उसके बावजूद भी विचारधारा ये थी कि भी जो भी उनकी सोच थी
का व्यक्तिगत सोच थी, मगर उसके बावजूद भी एक सच्चे कांग्रेस के सिपाही होने के नाते हमने लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के, जब लोग मोदी जी को वोट देना चाहते थे, बीजेपी को देना चाहते थे, इस हलके से उनको लीड दिलवाने का काम किया था। इससे बड़ी मैं कह रहा हूँ उदाहरण क्या हो सकता है। सवाल और अमित सियाग जी 2022-23 के सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए हैं, और ये सवाल तो इनसे बनता भी है, चोटाला गांव ऐसा गांव जहां पे हरियाणा के सबसे ज्यादा विधायक हैं, परिवार वही है, तो असली में चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा क्या है? सभी पार्टियों में उनके परिवार हैं, तो असली की विचारधारा कौन है? आपको क्या लगता है कौन उनके असली थ्योरी को अपना रहा है? देखिए, हर कोई जो नेता है वो कहेगा कि भाई मैं उनकी विचार, जैसे JJP बनी उन्होंने कहा ये उसी की विचारधारा, लोकदल हमेशा कहती रही है। मैं मानता हूँ किसी व्यक्ति विशेष का केवल खून होना वो अपने आप में एक विचारधारा का प्रमाण नहीं है। कौन उनकी नीतियों पे अनुसरण करता है, अगर मान लो कोई छोटा सा कार्यकर्ता जो उनके साथ चला होगा आज भी गांव में उनकी सोच के साथ जुड़ के वो काम कर रहा है, तो वो मैं मानता हूँ उनका सच्चा सिपाही है। और मैं ये मानता हूँ, मेरे पिताजी, मैंने तो हालांकि मैं तो बहुत छोटा था तो मेरे तो सिर्फ उनकी कुछ झलकियाँ मुझे याद हैं एक आधी बार की, मगर मेरे पिताजी ने उनके साथ बड़े नज़दीकी से काम किया है। वो उनके OSD भी थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। और मैं मानता हूँ अगर सही मायने में कोई उनकी नीतियों पर अनुसरण कर रहा है वो मेरे पिताजी कर रहे हैं। कारण है इसका कि आज की राजनीति के अंदर भी जहाँ हर तरह का भ्रष्टाचार, लाल लपट, झूठ सारा कुछ है, उन्होंने अपना निस्वार्थ होके इस हल्के में अपनी चुनाव हारने के बावजूद लगे रहे, विकास के लिए काम करते रहे, किसान हर किसी के लिए लड़ते रहे। और आज की तारीख में मान लो जितना डेडिकेशन उनका है जनता के बीच में बहुत कम लोग मिलेंगे। और मेरे को एक कहानी भी बताते हैं जी। मुझे ये देवीलाल जी की आपको बाकी परिवार वालों ने कितनी बताई, एक मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी, ये उनके आखिरी उस समय में थी। देवीलाल जी कहते थे कि जब भी कोई जैसे लोग चंदा दे के जाते थे तो पिताजी को कह देते थे जो साथी थे कि भाई आप इस चंदे को रख लीजिएगा, जो भी आएंगे जैसे भी, तो लोग तो ले जाया करते थे, लोगों का सिस्टम जैसे था। मेरे पिताजी उनको और जो बाकी जो मेन साथी थे वो संभाल के रखते थे कुछ। तो एक बार बड़ी ज़रूरत पड़ी देवीलाल जी को, कहते जी आज चुनाव के लिए ज़रूरत है, तो डॉक्टर साहब वहाँ से तुरंत लेकर आ गए। तो कहते ये कहाँ था, कहते जी आपका जो था मैं उसमें से कुछ निकाल के, ताकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो हमारे पास है। तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैंने पूरी ज़िंदगी में नाम कमाया, कभी पैसा कमाने की सोच में नहीं गया, हमेशा से मतलब ये था कि जनता के लिए, गरीब आदमी आम आदमी के लिए काम करना है। तो मैं यही कहता हूँ उसी विचारधारा से मेरे पिताजी ने अनुसरण किया। जब मैं राजनीति में आया था कहते थे या तो नाम करा लो, कमा लो, या माल कमा लो, चुनना तुमने है। और मैं मानता हूँ मैं उन्हीं की राह पे चल रहा हूँ कि हमारा जनता नाम कमाया उन्होंने। आज आप कह रहे हो कि सर्वश्रेष्ठ विधायक का, तो ये एक मैं विपक्ष में होते हुए, बाकी ये जनता का जो प्यार है, एक गरीब आदमी जो आशीर्वाद देता है। और मैं आखिर बात यही कहूँगा, सबसे बड़ी संतुष्टि इस चीज़ में 5 फार्म हाउस होने में नहीं है, संतुष्टि इस बात में जब कोई व्यक्ति ये कहता है। मेरे चौटाला गांव में मुझे महसूस हुआ, मैं डोर टू डोर कर रहा था, एक व्यक्ति आया कहते जी आपको याद नहीं होगा, मैंने तो ऐसे फ़ोन किया था एक दिन आपको, कोविड काल में आपने ये काम हमारा करवा के दे दिया। मुझे पता भी नहीं था कौन है व्यक्ति, पर जो उनका आशीर्वाद मिला आज भी मुझे याद है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे शायद कुछ मैं कमाई कर लेता तो मुझे इतना याद नहीं रहता जो, तो इससे बड़ा मैं मानता हूँ सम्मान कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो भाई सर्वश्रेष्ठ विधायक के साथ साथ ये इंटरव्यू भी सर्वश्रेष्ठ है। फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में, तब तक।